अच्छा जी, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक जो है वो आप लोगों के, जब भी आप आगे जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे, जावास्क्रिप्ट HTML के ऊपर, तो आपको हर जगह काम आएगा। अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल लर्न किए, वेरिएबल हमने सीखा कि कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स हमारे होते हैं लाइक कि हम लोग काम जब करते हैं इसके अंदर टेक्स्ट टेक्स के होते हैं, मतलब ठीक है, इसको स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स की टाइप होती है, एक होती है नंबर्स, ठीक है, और तीसरी टाइप होती है बूलियन की। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमने तीन किस्म के हमने वेरिएबल हमने स्टडी किए थे और लर्न किए थे। होप आप लोगों को, सबको ये क्लियर होंगे। ठीक है जी। अच्छा, और इसी तरीके से जब हमने कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं तो, और वेरिएबल का नेम लिखते हैं, और फिर उसको हम लोग या तो इस तरह छोड़ देते हैं, तो ये अनडिफाइंड वेरिएबल होता है। सही है। और अगर हम लोग इसको लाइक किसी इसके अंदर कुछ हम लोग असाइन भी कर सकते हैं, असाइन फॉर एग्जांपल मैंने 0 किया तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि ये नंबर वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको करता हूँ स्ट्रिंग में ये 0, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली बना देगा आपको स्ट्रिंग का वेरिएबल टाइप। ठीक है। और अगर मैं इसको करता हूँ ट्रू फॉर एग्जांपल, ठीक है, ट्रू कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि ये वेरिएबल जो है वो बूलियन वेरिएबल टाइप है। तो ये हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जनाब एरे। ठीक है, एरे को हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, और हम लोग दूसरी चीज़ कवर करेंगे वो है फंक्शंस। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को मैं आपको इन डिटेल में आपको लेके चलूँगा कि क्या एरे क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह डिफाइन करते हैं एरे, किस तरीके से, मतलब एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है। इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूँ, मैं आपको दोनों बुक्स से रेफरेंस बता दूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से जाके इसकी प्रैक्टिस करेंगे और डिटेल इसको देखेंगे। एरे अगर आप देखना चाहें स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, उसमें चैप्टर नंबर 15 है, इसके अंदर डिटेल में एरे को दिया हुआ है, और एट द एंड आपको प्रैक्टिस भी दी हुई है। ठीक है, एरे की मुख्तलिफ एडिशन किस तरह करते हैं, रिमूव किस तरह करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इस इन एक्सरसाइज के अंदर, और सेम जो है हम लोग आज इसके अंदर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, नंबर वन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसमें जाता हूँ, ये तो नंबर 15 पे, दूसरी जो हमारी बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो है ट्यूटोरियल पॉइंट। दोनों बुक्स हमारी जो है गिटहब पे अवेलेबल है, मैंने आपको लिंक लास्ट टाइम भी दिया हुआ था, और आप चाहे कहेंगे तो दोबारा आपको दे दूंगा। दोनों बुक्स हमारे गिटहब पे अवेलेबल हैं, दोनों बुक्स आप इजीली जाके उसको एक्सेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी, अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको समझना है, तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ट्यूटोरियल पॉइंट के ऊपर जाके आप अपना इसको स्टडी करें। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब एरेज को हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द एरे एक्चुअली। आप क्या होता है कि जब हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, अब वेरिएबल के अंदर हमारे पास एक वक्त में एक वेरिएबल एक वैल्यू आती है, राइट। अगर मैंने नेम का वेरिएबल डिफाइन किया है तो नेम के अंदर सिर्फ एक नेम ही आ रहा होगा। अब मैंने उसके अंदर नेम के अंदर डिफाइन किया नुमानुल हक, ठीक है, अब मैं उसके अंदर नेम के अंदर अब्दुल रहमान दे देता हूँ, तो उसके अंदर स्टोर क्या वैल्यू होगी, अब्दुल रहमान वैल्यू होगी, नुमानुल हक रिमूव हो जाएगा। इसी तरह मैं सैफ को रिप्लेस करूंगा तो उसके अंदर सैफ आ रहा होगा, नुमानुल हक या अब्दुल रहमान रिमूव हो जाएगा। यानी किसी वेरिएबल के अंदर हम लोग एक वक्त में एक वैल्यू सेव कर सकते हैं, जबकि अब अगर हमको क्या हो कि अगर मुझे एक ही वेरिएबल है, ठीक है, और उस वेरिएबल के अंदर मुझे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर्स करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे एरेज का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। तो अब जा एरे क्या है, जैसे इसमें डेफिनेशन में डिफाइन किया हुआ है कि द एरे ऑब्जेक्ट्स लेट यू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है। इट स्टोर अ फिक्स साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप, एंड एरे इज यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डेटा, बट इट इज ऑफन मोर यूजफुल टू थिंक ऑफ एन एरे एज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप। ठीक है। अच्छा,
कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम टाइप क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई एग्जाम्पल फ्रूट्स की, ठीक है, आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया फ्रूट्स, ठीक है। अब फ्रूट्स कई किस्म के होते हैं, इसमें एप्पल है, ऑरेंज है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, बनाना है, डिफरेंट फ्रूट्स हैं। अब उसको आपने एक वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर दिया। अब जितने भी दुनिया भर के फ्रूट्स हैं वो मैंने क्या किया कि एक फ्रूट्स का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैं डाल दिया। अब वो किस तरीके से मैं इंसर्ट करूंगा उस वेरिएबल को, क्या करूंगा, वो हम लोग आगे जाके सीखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं, वेरिएबल एक्चुअली एरे है क्या। अब एक को फिर आगे डेफिनेशन बता रहा है। अच्छा, ये तो सिंटैक्स आ गया कि हम लोग क्या किस तरीके से सिंटैक्स डिफाइन करेंगे किसी वेरिएबल को, एरे को बनाने के लिए। अगेन मैं वेरिएबल लिखा, वो वेरिएबल ही बेसिकली, एरे इज अ वेरिएबल, ठीक है ना। मैंने वेरिएबल बनाया किस नाम से, फ्रूट के नाम से। एक तो तरीका ये है कि मैं इसमें लिखता हूँ न्यू एरे, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो मैंने इसके अंदर डिफाइन किया और उसके अंदर मैंने इंसर्ट कर दी ये वैल्यूज। अब क्या है, द एरे पैरामीटर इज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स और इंटीजर। ओके, ये बड़े मजे की बात है। अब क्या है कि अगर हम लोग जैसे कि अभी हमने, मैंने आपको वेरिएबल डिफाइन किया था, वेरिएबल में एक वक्त में एक ही टाइप का वेरिएबल हो जाता है, या तो स्ट्रिंग होगा या नंबर होगा या बुलियन होगा, जबकि एरे के अंदर एक वक्त में आप मल्टीपल टाइप के जो है वो वेरिएबल डाल सकते हैं, पैरामीटर्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्ट्रिंग डालना है, स्ट्रिंग डाल सकते हैं, नंबर डालना है, नंबर डालना है, डाल सकते हैं, ट्रू फॉल्स डालना है तो ट्रू फॉल्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि व्हेन यू स्पेसिफाई अ सिंगल न्यूमेरिक पैरामीटर विद द एरे कंस्ट्रक्टर, यू स्पेसिफाई द इनिशियल लेंथ ऑफ द एरे, द मैक्सिमम लेंथ अलाउड एन एरे इज 4, 294, 9, ये आपकी एरे की लेंथ है, 4, 294, 9, 6, 7, 295, इस नंबर तक का आपका एरे जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि आपको अच्छी खासी इसकी लेंथ मिल सकती है, इसके अंदर आप अच्छी खासी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा इनफ वैल्यूज है, ठीक है ना। अच्छा, एरे क्रिएट करने का एक और तरीका यह है कि मैंने क्या किया, सिंपली लिखा फ्रूट, वेरिएबल फ्रूट इज इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और उसके अंदर जितने वेरिएबल हैं मैंने डिफाइन कर दिए। स्ट्रिंग मैं डिफाइन करूंगा तो सिंगल कोट डबल कोट के साथ दूंगा, फिर कॉमा लिखूंगा, डबल कोट कॉमा डबल कोट। मेरे को अगर नंबर भी डिफाइन करना है तो कॉमा करके 1, 2, कॉमा करके 3, 4, 10, वट एवर वैल्यू, और जब ट्रू करूंगा कॉमा करके ट्रू और फॉल्स। इस तरीके से मैं इजीली एरे के अंदर कोई वैल्यू सेव कर सकता हूं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें नेक्स्ट बता रहा है, यू विल यूज ऑर्डिनल नंबर टू एक्सेस एंड टू सेट वैल्यूज इनसाइड एन एरे एज फॉलोस। अच्छा, इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं और मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। अभी तक जो इसने बताया है, इस वक्त तक हम लोग इसको देखते हैं कि एरे हम किस तरह क्रिएट करते हैं और एरे है क्या एग्जैक्टली। मैं आता हूं अपने कोड एडिटर के अंदर। कोड एडिटर के अंदर मैंने क्या किया, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है, और मैंने इसको रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद, ठीक है जी, इसको मैं नीचे कर देता हूं ताकि आपको नजर ना आए। मैंने एक एरे बनाता हूँ, वेरिएबल मैं एरे बनाता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स के अंदर मैंने इज इक्वल टू लिखा और ब्रैकेट साइन ओपन किया, ये स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है, ठीक है। अब मेरे पास स्टूडेंट कौन कौन से हैं, मेरे पास स्टूडेंट है सैफ है, मेरे पास स्टूडेंट है अब्दुल रहमान है, और मेरे पास एक और स्टूडेंट है अली, ठीक है जी। ये तीन स्टूडेंट मेरे पास आ गए, मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। वेरिएबल बना के मैंने इसके अंदर अब क्या करूँगा, मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट कहाँ कराता हूँ, मैं प्रिंट अपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, ये स्टूडेंट का मैंने इसके अंदर कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और इसके अंदर मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं बाकी सबको रिमूव कर देता हूँ, सही है जी। अच्छा, ये मैंने कहाँ किया, टेस्ट डॉट जे एस के अंदर हमने एक फाइल अलग से बनाई हुई है, इसको मैंने सेव कर लिया और सेव करके यहाँ पे मैं एम्बेड किया हुआ है। ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया हुआ था इसको, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एरे,
तो एरे को हम लोग देखेंगे और टेस्ट डॉट जे एस को हमने इधर कॉल किया हुआ है, ठीक है, सिंपल काम किया हुआ है हमने। और सेम मैं इसको कॉपी पाथ करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास जनाब ठीक है जी। अच्छा ये एरे है, एरे के अंदर मेरे पास ये सारे लोगों के नाम आ गए, स्टूडेंट्स के नाम आ गए। ठीक है जी, अब क्या हुआ मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं, सैफ है, अब्दुलरहमान है, अली है, ओके। अच्छा एक और अगर मैं चाहूँ कि एरे बनाऊं और एरे के अंदर मैं कुछ भी ऐड नहीं करूं, चले एक और एरे बनाते हैं। एक और एरे बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं हम लोग फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स मैंने रखा, इसके अंदर दे दिया एप्पल, बनाना और इसमें लिख दिया मैंने चेरी, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसी को हमने कॉपी किया इसको और इसको पेस्ट कर दिया, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ फ्रूट्स, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ गया सब काम, फ्रूट्स लिखा। अच्छा फ्रूट्स मैं कहता हूँ नहीं, मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। अब क्या होगा, ये एरे तो क्रिएट करेगा विद नेम ऑफ फ्रूट्स, लेकिन ये होगा अनडिफाइंड एरे। तो हम लोग चेक करते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, यू सी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। अच्छा अब क्या है, हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं। एडवांस लेवल पे जाते हैं किस तरीके से, कि हम अपने इसी ब्राउज़र को एज ए टूल यूज़ करना शुरू करते हैं, सही है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, अभी मैं क्या बार बार इधर जा रहा हूँ फिर उधर जा रहा हूँ, बार बार इधर जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है इसकी का टूल यूज़ करना है। मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, इंस्पेक्ट पे गया तो इंस्पेक्ट पे आप देखेंगे कि आपके पास ये टूल अवेलेबल हो गया, इसके अंदर कंप्लीट चीज़ें आ रही हैं। इसमें पहला एलिमेंट आ रहा है, एलिमेंट है, फिर कंसोल है, सोर्स है, जितना भी मैंने सोर्स लिखा है जैसे कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, टेस्ट डॉट जे एस, ये मेरी कंप्लीट कोड आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, जो मैं कोड लिखूंगा वो यहाँ पे आ गया, जो इंडेक्स का कोड है वो यहाँ पे आ गया, राइट, ठीक है। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट भी हैं जो हम लोग उसको आगे एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग टच करने जा रहे हैं कंसोल को, ठीक है। अब कंसोल के अंदर क्या है कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग करके इसको टेस्ट कर सकता हूँ कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ, जो मुझे कोड में लिखना है, वो कोड में लिखने से पहले मैं इधर ही टेस्ट कर लूँ उसका रिजल्ट, सही है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट्स के नाम पे, ठीक है, अभी स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्या वैल्यू पड़ी हुई है, मैंने सिंपली इधर क्लिक लिखा है स्टूडेंट, एंटर किया है तो मेरे पास स्टूडेंट का पूरा कंप्लीट हुआ आ गया, क्या आ गया, डेटा आ गया उसने। अच्छा अब मेरे पास ये डेटा आ गया, मैं तो आपको एक और बड़ी मजे की चीज बताऊं, अब जब हम लोग इसके अंदर एलिमेंट के अंदर काउंटिंग करते हैं ना, काउंटिंग करने में हमारे को क्या होता है, मैं थोड़ी सी इसकी स्क्रीन बड़ा कर दूं, ओके। अच्छा काउंटिंग के अंदर क्या होता है, एरे के अंदर जब भी हम लोग वैल्यूज इंसर्ट करते हैं तो हमेशा पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो होती है जीरो इंडेक्स पे। आप पूछेंगे आप इंडेक्स क्या है, इंडेक्स इज अ सीरियल नंबर बेसिकली, ठीक है, जैसे आप कोई भी आप सीरियल नंबर लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये सीरियल नंबर है। अच्छा एरे के अंदर जो सीरियल नंबर स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, यानी मतलब जो सैफ जो है वो किस पोजीशन पे है, वो जीरो पोजीशन पे, अब्दुल रहमान वन पोजीशन पे है और अली टू पोजीशन पे, ठीक है। इसको चेक करने के लिए अगर हम लोग फर्दर देखना चाहें, ये हमें देखें बता रहा है जीरो पे कहाँ कौन है, सैफ है, वन पे अब्दुल रहमान है, टू पे अली है। इसकी लेंथ कितनी है, इस एरे की लेंथ है 3। अच्छा
इसके अंदर फर्दर हम लोग टूल कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, ये टूल हम लोग कुछ को डिस्कस करेंगे, कुछ को आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग खुद एक्सप्लोर करें। तो जो चीज़ें मेन की जो की टूल्स हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं और उसको लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने एक और बनाया था एरे विद नेम ऑफ फ्रूट्स, राइट। अब मैंने फ्रूट्स बनाया था, ये देखें फ्रूट्स में क्या आ गया, फ्रूट्स में लेंथ आ गई जीरो, और ठीक है इसकी क्या है, ये अनडिफाइंड एरे है, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, राइट। अब इसको मैं अगर इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहूँगा वो मैं ऐड कर सकता हूँ, वो किस तरह ऐड करते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है जी। होप यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब क्या है, अब मुझे स्टूडेंट्स के एरे को हम लोग ले लेते हैं। स्टूडेंट के एरे के अंदर क्या है कि मुझे अब सबसे पहले हम लोग करते हैं मुझे क्या करना है कि रिमूव करना है किसी एरे की वैल्यू को। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास दो कमांड्स अवेलेबल है, ठीक है। दो कमांड्स कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास है शिफ्ट की, ठीक है, शिफ्ट के नाम पे, और दूसरी है पॉप, ठीक है जी। दोनों को हम लोग देखते हैं शिफ्ट और पॉप है क्या एग्जैक्टली। अब मैंने कहा कि स्टूडेंट्स डॉट, ठीक है, जैसे डॉट लिखा पूरी कमांड्स की एक लिस्ट मेरे पास आ गई, ठीक है, पूरी कमांड्स की, यानी कि एरे के अंदर मैं ये कमांड यूज कर सकता हूँ। तो इसमें एक कमांड है शिफ्ट, ओके, मैंने कहा एरे डॉट शिफ्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। अब देखें इसने क्या किया, शिफ्ट डॉट स्टूडेंट डॉट शिफ्ट, और इसमें नीचे आ गया सेफ। इसने क्या किया है कि सेफ को स्टूडेंट की लिस्ट से रिमूव कर दिया। देखते हैं क्या हुआ या नहीं हुआ स्टूडेंट से रिमूव, स्टूडेंट्स, ठीक है, ये देखें अब्दुलरहमान और अली आ रहा है, सैफ नहीं आ रहा। अब मैंने क्या किया, दोबारा इसमें करता हूं कि स्टूडेंट, दोबारा से मैं करता हूं और ओके स्टूडेंट डॉट शिफ्ट, ओके स्टूडेंट डॉट शिफ्ट किया, इसने अब्दुलरहमान को रिमूव कर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, मेरे पास क्या बचना चाहिए, एक लास्ट एरे बचना चाहिए विच इज अली। अब मैं दोबारा करता हूं स्टूडेंट डॉट शिफ्ट, ओके, इसने क्या किया, ये दोबारा से अली को रिमूव कर देगा और कुछ भी नहीं बचेगा। अब हमारा जो ये एरे है वो अब बिल्कुल एम्प्टी हो गया, सही है, कुछ भी इसके अंदर डेटा नहीं है। अब मैं बिफोर पॉप को समझाने के आपको मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को इसके अंदर कुछ मैं वैल्यू एडिट कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है। मैंने करना यह है कि स्टूडेंट के अंदर मैं डालना चाह रहा हूँ जनाब दोबारा से इस वैल्यू को डालता हूँ, ठीक है, इसके अंदर दोबारा मेरे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स की, अब क्या है, अभी इसने, आपने देखा है क्या इसने क्या किया है, सिस्टम ने, अभी जावास्क्रिप्ट ने, इसने क्या किया था कि जब मैंने शिफ्ट की कमांड यूज की थी तो इसने रिमूव करना शुरू किया था शुरू से यहां से। अब क्या है कि मुझे लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा पॉप, ठीक है, स्टूडेंट्स डॉट पॉप, ठीक है, और मैं ब्रैकेट करता हूं, एंटर करता हूं, देखें पॉप से क्या किया इसने, लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट कर दिया, यू गेट माय पॉइंट। अब देखें स्टूडेंट मैं लिखता हूं दोबारा से, स्टूडेंट लिखता हूं तो ये मुझे सिर्फ सैफ और अब्दुलरहमान बता रहा है, अली नहीं बता रहा। तो ये तो हो गया, एक तो शिफ्ट हो गया, क्या शिफ्ट क्या करता है, शुरू वाला रिमूव करता है, और पॉप क्या करता है, लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करता है। अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है कि ऐड करना है किसी वैल्यू को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए अब हमारे पास एक कमांड है अनशिफ्ट की, ठीक है, अनशिफ्ट मैंने लिखा ऐड, और इसके अंदर मैंने लिखा दोबारा से, मैं इसको करता हूँ
अली को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। क्या करेगा, ये बता रहा है कि मैं, इसने 3 नंबर पे अली को ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। इसने 3 इसने इसने इंडेक्सेस दे दिए कि कितने नंबर इंडेक्सेस है, 3। अब स्टार्टिंग में इसने अली को ऐड कर दिया, ये 0 इंडेक्स के अंदर इसने ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर फर्दर ऐड करना चाहूं स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट अनशिफ्ट, मैं ऐड करना चाह रहा हूं नुमान को, ठीक है जी। इसने अब 4 एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर। अब मैं इसको दोबारा स्टूडेंट को देखना चाहूंगा तो मुझे बता देगा कि इसने स्टार्ट में ऐड कर लिया। अच्छा, अब मुझे क्या है कि आखिर में ऐड करना है, लास्ट में ऐड करना है किसी स्टूडेंट को, तो क्या करूंगा, तो लास्ट में ऐड करने के लिए एक कमांड होती है पुश की, ठीक है। मैंने क्या किया, स्टूडेंट डॉट पुश, और मैंने इसको कहा कि इसको आखिर में ऐड करो रयान को, ओके। देखें अब 5 एलिमेंट्स हो गए और मैं स्टूडेंट्स को मैं लिखता हूं और स्टूडेंट्स के अंदर मेरे पास आ गया, ठीक है। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसी कमांड को हम लोग यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स के अंदर कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं और फिर इसको आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास, अब देखूंगा मैं फ्रूट्स में क्या है, हमारे पास फ्रूट्स में एम्प्टी एरे है हमारे पास, राइट। फ्रूट्स को मैं क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं कुछ एलिमेंट्स को, ठीक है। मैंने कहा फ्रूट्स, फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट में मैंने कहा कि मुझे करना है एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है जी, ये मैंने ऐड कर लिया। अब मैं देखूंगा फ्रूट्स में क्या आ गया, फ्रूट्स में 3 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अनशिफ्ट मींस ऐड किया, ओके। अच्छा, मुझे अनशिफ्ट के थ्रू क्या हुआ, ऐड हुआ स्टार्ट के अंदर। दोबारा से चेक कर लेते हैं इसके अंदर वाकई में ऐड स्टार्ट के अंदर ही हो रहा है या कहीं और हो रहा है। फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट, ठीक है, मैंने इसके अंदर कर दिया पाइनएप्पल। फ्रूट्स जो ऐड किया उसने कहाँ किया, स्टार्ट में ऐड किया पाइनएप्पल को। मुझे ऐड करना है लास्ट के अंदर फ्रूट्स डॉट, मैं क्या करूँगा, पुश को भी यूज़ करूँगा। पुश यूज़ किया मैंने, मैंने इसके अंदर लिख दिया स्ट्रॉबेरी, ओके, स्ट्रॉबेरी को ऐड कर दिया मैंने। अब कहाँ ऐड करेगा, ये चेरी के बाद ऐड करेगा, ठीक है। फ्रूट्स मैंने लिखा, देखें कहाँ ऐड किया इसने, स्ट्रॉबेरी को आखिर में, लास्ट में ऐड किया, ओके। मुझे आप किसी पाइनएप्पल को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, फ्रूट्स डॉट शिफ्ट को यूज़ करूँगा और मैं चाह रहा हूँ कि पाइनएप्पल कुछ भी नहीं हो, पाइनएप्पल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो स्टार्ट में पाइनएप्पल को रिमूव कर देगा, ओके, फ्रूट्स। अच्छा, मुझे लास्ट से रिमूव करना है तो क्या करूँगा, मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा पॉप, फ्रूट्स डॉट पॉप, ठीक है जी, वो स्ट्रॉबेरी को रिमूव कर दिया। तो ये मैं इसलिए बार बार इस पे फोकस करके आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको हैंड्स ऑन कर लें, या आपके आगे बहुत काम आएगा और आपने एक्सरसाइज और प्रैक्टिस बहुत अपनी कंटिन्यू रखनी है इसके ऊपर, और इंशाल्लाह ये जो आप प्रैक्टिस कंप्लीट रखेंगे अपने, हैंड ऑन कर लेंगे, तो आगे जाके आपको कोई मुश्किलात नहीं होंगी और इजीली आप इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर अब मुझे क्या है कि इन बिटवीन कुछ रिमूव करना है, सही है। लाइक मेरे पास मैं कुछ फ्रूट्स के अंदर ऐड कर लेता हूँ, फ्रूट्स के अंदर मैंने कहा फ्रूट्स डॉट
push, ठीक है, मैंने code dot push किया, मैंने इसके अंदर a fruit ऐड कर लिया, मैंने इसके अंदर b fruit ऐड कर लिया, मैंने इसके अंदर c fruit ऐड कर लिया, ठीक है, इसमें तीन fruits ऐड हो गए, ओके, अच्छा, अब मुझे क्या है, मुझे करना ये है कि मुझे किसी एक फ्रूट को रिमूव करना है, तो वो क्या करूँगा, लेकिन वो रिमूव मुझे आखिर से भी नहीं करना है, लास्ट स्टार्ट से भी नहीं करना है, तो इसके अंदर एक कमांड होती है स्प्लाइस की, ठीक है, फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस की कमांड में यूज़ करूँगा, और अब देखें ऑटोमेटिकली ये बता रहा है कि आपने ये फंक्शन है, बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन होते हैं ये, सही है, जो कि के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जो भी बिल्ट इन फंक्शन वो कहलाते हैं जो कि इनहेरिट फंक्शन होते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो स्प्लाइस इज अ इनहेरिट बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सेम नाम का फंक्शन आप नहीं बना सकते, ठीक है, अच्छा, इसमें बता रहा है कि आपने कौन कौन से एलिमेंट देना है, स्टार्ट देना है, डिलीट काउंट देना है, और फिर आप चाहें तो आइटम अगर आपको रिप्लेस करना है तो वो भी दे सकते हैं, तो हम लोग पहले देखते हैं कि मुझे कोई आइटम डिलीट करना है, मैंने कहा कि आइटम मुझे डिलीट कौन सा करना है, थ्री से स्टार्ट करो, ठीक है, और वन तक लेके जाओ, अब बताएं कौन सा वो रिमूव करेगा वो, ठीक है, चलें देख लेते हैं, इसने रिमूव किया ए, ए क्यों रिमूव किया, क्योंकि हमारी जो इंडेक्स स्टार्ट हुई है 0, 1, 2, 3, थ्री ए पे आ रहा है 3, ठीक है, तो मैं दोबारा देखता हूँ फ्रूट्स के अंदर ए गायब है, ओके, अब क्या है कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये तो रिप्लेस हो जाए, ठीक है, अब क्या है फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस, ओके, 3, A, मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ मैंगो, क्या किया इसने, इसने ये किया होगा कि जो आपका बी है उसको रिप्लेस कर दिया मैंगो के साथ, ठीक है जी, अच्छा, इसी तरीके से मुझे आपको और मज़ीद कुछ ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ऐड करना है 4 से लेके और आगे 2 तक चले जाए, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ ग्रेप्स, इसने दे दिया मुझे एरर, एरर क्यों दे दिया, क्योंकि मैंने अब इसके अंदर जो इंडेक्सेस वैल्यूज दी हुई हैं वो इंडेक्सेस वैल्यूज इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, या वाह यस 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 यस, यस, ठीक है, फ्रूट्स को मैं इसके अंदर देखता हूँ, तो इसने ऑटोमेटिकली सॉरी वो इसके अंदर वो नहीं था, ठीक है, मैंने फ्रूट का ऐप मिस कर दिया था, तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ से लेके आगे तक उसको ऐड कर दिया, तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि एरेस के अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हैं और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और सेम आपको प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगेन आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस बुक को ज़रूर स्टडी करें, स्पेशली स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर देखें क्या हुआ है कि इसमें बिल्कुल बहुत ही लेमैन की उसमें बताया हुआ है कि अगर आप एक सिटी डिफाइन करते हैं आपको सिटी 0, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3 बनाना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप क्या कर सकते हैं एक ही सिटी का वो बना दें सिटीज़ का और उसी के अंदर सारे सिटी स्टोर कर दें, ठीक है, तो सेम यही चीज़ वो बता रहा है जो कि हम लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको प्रैक्टिस भी दे देगा कि प्रैक्टिस करनी है आपको,
फिर एरेज, एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग किस तरीके से ऐड और रिमूव वैल्यू किस तरह कर सकते हैं, तो वो अब इसके अंदर देखें। पॉप्स के थ्रू हम लोग लास्ट वाला वैल्यू हम लोगों को रिमूव करना है तो पॉप के थ्रू कर सकते हैं, और लास्ट में अगर हमने एलिमेंट ऐड करना है तो पुश के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अब आपको ये बताएगा कि हमने रिमूविंग एंड इंसर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट, ठीक है, तो हमने क्या करना है, शिफ्ट और अनशिफ्ट का की कमांड यूज़ करेंगे, तो ये हमने सीखा। इसी तरीके से हमने इन बिटवीन कुछ डालना है तो स्प्लाइस की कमांड हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने चीज़ें आज की एरे के लेक्चर्स के अंदर हमने लर्न की इन डिटेल, इन डेप्थ, सही है, प्रैक्टिस के साथ। ओके, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग खुद से कुछ इसको लर्न करें और खुद से भी एक्सप्लोर करें व्हाट इज़ एरे। एरे के बहुत सारे और भी फंक्शन हैं जो कि आपको मैंने, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसके अंदर जाते हैं, ये देखें यहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखें हमने आज कौन कौन सा पढ़ा है, पॉप पढ़ा है, पुश पढ़ा है, हमने पढ़ लिया, सॉर्ट भी बहुत इजी है, स्प्लाइस पढ़ लिया हमने, हमने पुश पढ़ लिया, हमने पॉप पढ़ लिया, ठीक है, शिफ्ट अनशिफ्ट पढ़ लिया, तो ये सारे फंक्शन तो हमने पढ़ लिए, लेकिन ये भी अगर आप पढ़ना चाहें, स्टडी करना चाहें, तो आपको इजीली आप स्टडी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं, आपको उस बुक के अंदर भी अवेलेबल होंगी चीज़ें ये रेफरेंस के तौर पे, ठीक है जी। अप टिल नाउ अगर कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज़, मेरे ख्याल में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर किया है, और कुछ भी अगर अभी कन्फ्यूजन है तो आप अभी पूछ सकते हैं बिफोर आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सेशन। वेरी गुड, वेरी गुड सर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम लोग आज का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अजान हो गई थी, थोड़ा सा मैं इसलिए ब्रेक लिया। आज हम लोग एक नया टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है जनाब आपका फंक्शंस का। आई बिलीव मैं फंक्शन थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन लेट अस डू इट अगेन, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया था, मुझे थोड़ा सा फीडबैक मिला था, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि ये हर चीज़ हर जगह आपको टाइम बाय टाइम आपको यूज़ करना पड़ेंगी, और इसको आप लोगों को यूज़ लाइक कि कभी भी प्रोग्राम बनाएंगे तो आप फंक्शन और प्रोसीजर लिखना ही लिखना पड़ेंगे, ठीक है। अब फंक्शन है क्या? अब फंक्शन वो है, फॉर एग्जांपल आपने एक एक ऐसा रूटीन लिखा, टेबल लिखा, फॉर एग्जांपल आपने टू का टेबल लिखा, और टू का टेबल क्या करता है कि आप उसको मतलब एक टेबल लिखा आपने, टेबल का फंक्शन, फंक्शन का नाम ही टेबल है। अब फंक्शन के अंदर आपने कुछ वैल्यूज आपने देनी है, लाइक आपने देना है टू का पैरामीटर देना है, और आपने देना है एक और पैरामीटर 10 का देना है। टू का पैरामीटर क्या डिफाइन करेगा कि मैं रन करना चाह रहा हूँ टू का टेबल, और 10 का वेरिएबल डिफाइन करेगा कि 10 तक वो टेबल चले, यानी 2 1 2, 2 2 4, 2 2 3, इस तरीके से एक फंक्शन चले और लूप चले और मेरे को टू का टेबल दे दे। अब ये क्या है कि एक आपने फंक्शन बिल्ट इन अपना एक अपना इंटरनल फंक्शन लिखा, और आपको मालूम है वो फंक्शन मुझे बार बार यूज़ करना है, तो वो जब वो बार बार यूज करना है तो क्यों ना ऐसा करूं कि उसके कोड को बनाऊं और एक जगह पे सेव कर लूं, और उसको बार बार मुझे बजाय इसके कि मैं बार बार लिखूं उसको बार बार अपने पास कॉल कर लूं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है फंक्शन का कि आपको वो जो रूटीन वर्क आप लिख रहे हैं रेगुलर बार बार उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको आप कहीं पे स्टोर करके आपको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग अब बुक के अंदर देखते हैं बुकिश डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ री यूजेबल कोड, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, विच कैन बी कॉल्ड एनी वेयर इन योर प्रोग्राम, दिस एलिमिनेट्स द नीड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन, इट हेल्प प्रोग्रामर्स इन राइटिंग मॉड्यूलर कोड, फंक्शन अलाउ अ प्रोग्रामर टू डिवाइड अ बिग प्रोग्राम इन टू अ नंबर ऑफ स्मॉल एंड मैनेजेबल फंक्शन। ओके, आपने एक टेबल का फंक्शन लिखा, आपने एक कैलकुलेशन लिखी, आपने एक्स वाई जी लिखा, वो सारा आप चाहे तो कंबाइन कर लें या चाहे तो छोटे छोटे पीस ऑफ कोड बना दें और अपने पास स्टोर कर लें। लाइक एनी अदर एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट ऑल्सो सपोर्ट ऑल द फीचर नेसेसरी टू राइट मॉड्यूलर कोड यूजिंग फंक्शन।
यू मस्ट हैव सीन फंक्शन लाइक अलर्ट. अच्छा, हम लोगों ने क्या देखा था अभी, अलर्ट हम लोगों ने लिखा था, अलर्ट मैसेजेस किए थे, राइट का. ये क्या है, ये बिल्ट इन फंक्शन है. ये भी फंक्शन है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर. इन द अर्लियर चैप्टर वी वर यूजिंग दिस फंक्शन अगेन एंड अगेन, बट दे हैड बीन रिटर्न इन कोर जावास्क्रिप्ट ओनली वंस. ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी. बिफोर वी यूज फंक्शन वी नीड टू डिफाइन इट. ओके, द मोस्ट कॉमन वे टू डिफाइन अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट इज बाय यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड. अच्छा, मैं जारी बात है, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल, अब एरे मैंने लिखा था, एरे मैंने किस तरह लिखा था, एरे के लिए मैंने लिखा था वेरिएबल, वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू, ठीक है, और उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिया था और उसके अंदर डिफाइन की थी वैल्यू. वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब मैं वैल्यू डिफाइन करूँगा तो मेरे जावास्क्रिप्ट को मालूम होगा कि मैं एरे लिख रहा हूँ, और नॉर्मल वैल्यू असाइन करूंगा तो मेरे जावास्क्रिप्ट को मालूम होगा कि मैं नॉर्मल वेरिएबल लिख रहा हूँ. ठीक है, तो दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड एरे. नाउ अगर मुझे कोई फंक्शन लिखना है तो फंक्शन के लिए मैं कीवर्ड लिखूंगा एज ए फंक्शन इज ए कीवर्ड. ठीक है, तो कोई भी जैसे कि इसका सिंटैक्स इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है कि फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन का नेम लिखूंगा. मैं सबसे पहले फंक्शन एक कीवर्ड है, फंक्शन का नेम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, और फिर उसके अंदर पैरामीटर लिस्ट, अगर पैरामीटर है मेरे, कर्ली ब्रैकेट ऑन करूंगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करूंगा और स्टेटमेंट लिखूंगा और ये क्लोज कर दूंगा. तो ये मेरा एक जावास्क्रिप्ट का कोडिंग होगी जिसको मैं लिख सकता हूँ. ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे ट्राई द फॉलोइंग एग्जाम्पल. इट डिफाइंस अ फंक्शन कॉल्ड से हेलो दैट टेक्स नो पैरामीटर. ठीक है, हम लोग पहला जो फंक्शन बनाने जा रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं कि एक बिल्ट इन, हम लोग एक बिल्ट इन फंक्शन भी यूज कर रहे हैं और अपना फंक्शन भी यूज कर रहे हैं. ठीक है ना, अपना बनाया हुआ फंक्शन यूज कर रहे हैं. उस फंक्शन में क्या कर रहा है, उसमें कर रहा है ये है कि वो कह रहा है, अलर्ट दे रहा है एक से हेलो वर्ड. ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मेरा टाइम ताकि हम लोग बचा लें, और इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों ने लर्न कर लिया ऑलरेडी. इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ. ठीक है, और पेस्ट करके मैं इसको सेव करता हूँ. अच्छा, मैंने क्या लिखा, फंक्शन से हेलो कर्ली ब्रैकेट ओपन. ठीक है, दिस पहले तो राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिटवीन कर्ली ब्रैकेट मेरी स्टेटमेंट आएगी. ठीक है, अच्छा इस स्टेटमेंट को मैं देखता हूँ कि किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसको. ओके, इसको मैं सॉरी. अच्छा, ये तो हमने क्या किया, एक नॉर्मल एक फंक्शन लिखा. अब फंक्शन लिखने के बाद इसको मुझे कॉल करना है. अच्छा, जब तक मैं कॉल नहीं करूंगा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा. ये तो सिंपल मैंने फंक्शन लिख दिया. अब एक आपका एक फंक्शन आपने कहीं पे भी उसको लिख के डाल दिया और उसको अब हमने कहीं ना कहीं कॉल करना है. ठीक है, अब कॉल किस तरह करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसी फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, बना लेता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ. नई फाइल में कहता हूँ हेलो के नाम पे, हेलो डॉट जे एस. ठीक है, हेलो डॉट जे एस के नाम पे मैंने फाइल बनाई, इसको सेव कर दिया. और इस हेलो डॉट जे एस को मैं कहाँ कॉल करता हूँ, मैं यहाँ कॉल करता हूँ. अब देखें, जैसे ही मैं डॉट स्टैटिक लिखूंगा इसमें मेरे पास हेलो डॉट जे एस भी आ जाएगा. ओके, सेव करता हूँ. अभी मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे. मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फंक्शन ठीक है जी. अच्छा, ये फंक्शन मैं तो लिख तो लिया, लेकिन अभी जब मैं इसको कॉल करने जाऊंगा तो मेरे पास नहीं आ रहा होगा, कुछ भी नहीं आ रहा होगा. यहाँ पे फंक्शन कुछ लिखा हुआ आना चाहिए. ठीक है ना, अच्छा उसको हम लोग नेक्स्ट पे पढ़ते हैं वो क्या कह रहा है आगे. अच्छा, ये तो हमने डिफाइन कर दिया. अब डिफाइन करने के बाद मुझे इसको कहीं ना कहीं कॉल करना है, इसी सेम फंक्शन को कहीं कॉल करना है. तो कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने तो स्क्रिप्ट के अंदर लिख लिया. ठीक है, ये सेम इसी तरीके से मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ. अब मैं स्क्रिप्ट मैंने अब मैं अपने हेड के अंदर जाता हूँ.
बॉडी, और अच्छा बॉडी को कॉल कर लेता। ठीक है जी, ये मेरा इधर कॉल हो गया, मैंने फॉर्म बना लिया एक, और मैं सेम फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। ठीक है जी, अब क्या हुआ, अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम था मेरा जावास्क्रिप्ट का नाम, फाइल का नाम तो मेरा हेलो के नाम पे, हेलो के नाम के फाइल है, और हेलो फाइल के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, अब इस फंक्शन को मुझे कहीं और से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ कॉल कर रहा हूँ, अपनी इंडेक्स डॉट जी एच टी एम एल के अंदर फाइल में कॉल किया मैंने। इसके अंदर मैंने स्क्रिप्ट के अंदर लिख लिया, लिखने के बाद मैंने एक पैराग्राफ बनाया, इसमें मैं लिखा क्लिक द फॉलोइंग बटन टू कॉल द फंक्शन, पैराग्राफ लिखा। इसमें फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर बटन दिया मैंने, बटन में लिख दिया मैंने ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के अंदर से हेलो को फंक्शन को कॉल करो और उसके अंदर वैल्यू का डाल दो से हेलो की। ठीक है, और फॉर्म को क्लोज कर दिया, यूज डिफरेंट, ओके इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं दोबारा से चलाता हूँ। सही है, अब मैंने क्या किया, ये फंक्शन का हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोसीजर आज, क्लिक द फॉलोइंग बटन, और मैंने इसको क्लिक किया से हेलो, यू सी इसमें लिखा हुआ गया हेलो देयर। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी बिल्ट इन फंक्शन बना के कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या डिफाइन कर रहा है देखिए, हमारे पास आउटपुट में यही आ रहा है चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं, और उस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ वेरिएबल फास्ट पास करते हैं। ठीक है, अब देखिए से हेलो आया है, और से हेलो के अंदर हमने वेरिएबल पास किए नेम एंड एज के। हम लोग दोबारा इसमें जाते हैं से हेलो वाले में, से हेलो के अंदर अब इधर जो है मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, कोई वेरिएबल पास कर सकता हूँ नेम एंड एज का। ठीक है, नेम एंड एज का मैंने वेरिएबल पास किया, और मैंने उसके अंदर लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कि मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ये मुझे दे दो, इस इंस्टीड ऑफ अलर्ट मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही दे दो कि ये मेरा नेम ये है, ठीक है, एज ये है, और मैं ईयर ओल्ड इतना है। ठीक है ना, ये मुझे ऑटोमेटिकली कर देगा। अब क्या होगा, अब ये तो क्या किया है मैंने, ये तो नॉर्मल एक फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या करेगा, मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है कि वो अभी तक तो हमने अलर्ट में क्या किया, वो अलर्ट पॉपअप दे रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपको उसी पे एचटीएमएल पे लिख के बता देगा। लिख के क्या बताएगा, जो भी आप वेरिएबल का नाम देंगे वो, ठीक है, नोमान अब्दुल रहमान वट एवर, अब्दुल रहमान इज डैश एज एंड दिस ईयर ओल्ड। ठीक है, अच्छा अब इसको कॉल करना है मुझे। ठीक है, कॉल मैं कहाँ करूँगा, सेम वही मैकेनिज्म है, सब कुछ वही है। मैं इसके अंदर दो चीज़ें चेंज करूँगा, मैं चेंज करूँगा इसके अंदर से हेलो के अंदर जो मैंने फंक्शन में वेरिएबल पास किए उसकी मैं वैल्यू पास कराऊँगा। वैल्यू किस तरह पास होगी वही देख लेते हैं, इंडेक्स डॉट अब वैल्यू उसके अंदर मैंने किया कि एक तो मैंने कॉल की है सेफ, और ठीक है जी, ये दो वैल्यूज इसके अंदर मैंने पास कर दी और सेव कर दिया। ओके, सेव करने के बाद जब मैं इसमें आता हूँ, ठीक है, हेलो देयर अभी भी आ रहे हैं, ना ना कोई गलती कर रहा हूँ,
है जी, ये यस। अच्छा, इसमें हमने क्या गलती कर रहे थे, इसके अंदर जो उसमें कॉलिंग कर रहे थे वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम था। एनीवे इधर मैं लिखता हूँ सैफ। ओके, सैफ इज 14 ईयर ओल्ड। ओके, तो मैं सेव कर लिया इसको, और दोबारा मैं इसको करूँगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली लेके जा रहा होगा दूसरे पेज के अंदर कि सैफ इज 14 ईयर ओल्ड। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल कॉल कर सकते हैं और डिफरेंट फंक्शन इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और अगर हम चाहें कि इसके अंदर एक और एग्जांपल है, द रिटर्न स्टेटमेंट, इसको ही पढ़ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैन हैव एन ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट, दिस इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, दिस स्टेटमेंट शुड बी द लास्ट स्टेटमेंट इन अ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन पास टू नंबर इन अ फंक्शन एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट द फंक्शन टू रिटर्न देयर मल्टीप्लीकेशन इन योर कॉलिंग फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि जो भी मैंने इसके अंदर दो वेरिएबल पास किए हैं, ठीक है ना। अब दो वेरिएबल मेरे पास अगर दोनों नहीं आ रहे तो मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ कि उसको कॉन्केटिनेट करके भी पास कर सकता हूँ और रिटर्न करके भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं, इस हेडिंग को। कॉपी किया इसको, कॉपी करके सेम इसको इधर लेके गया। ठीक है जी, ये मुझे एक साथ कॉन्केटिनेट करके बेसिकली दो नामों को एक साथ मिला के मुझे करना है। तो मैं हमेशा क्या करूँगा, इसको इस तरीके से मैं एक साथ करके आपको इसको, जब भी प्लस का साइन यूज़ करते हैं तो हमेशा हम लोगों ने लास्ट टाइम हमने लर्न ये किया था कि कॉन्केटिनेट करनी है हम लोगों को दो वैल्यूज़ को, तो हम लोग इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसमें ये देखें कि आपको ये नाम जो लिखा हुआ आ रहा है कॉन्केटिनेट होके आ रहा है लेकिन मिला हुआ आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी हम लोग मॉडिफिकेशन ये करते हैं, इसको कॉन्केटिनेट होने के बजाय ये इस तरीके से आए कि ये अलग अलग लिखा हुआ है नज़र हमारे को। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर ही हम लोग ये कर लेते हैं, फुल के अंदर मैंने कहा कि फुल ये इसके तरीके से आ जाए और फिर प्लस आ जाए, यानी दो इसके अंदर एक स्पेस आ जाए। इसको देखते हैं क्या, ठीक है, ये स्पेस इसके अंदर आ गया। ठीक है, और इसके अंदर मैं चाहूँ कि एक और लिखना चाहूँ कि इसमें ये क्या है, बेसिकली ये है फुल नेम। ठीक है, फुल नेम है और मैं इसको इसके साथ कॉन्केटिनेट कर दिया तो ये मेरे पास आ जाएगा फुल नेम। ओके, फुल नेम फुल नेम ज़ारा अली। ठीक है, तो ये सारा इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है जी, तो इसी तरीके से एक फंक्शन होता है नेस्टेड फंक्शन, यानी कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम लोग फंक्शंस के अंदर फंक्शंस को कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। आई सजेस्ट कि आप लोग इसको खुद एक्सप्लोर करें, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग सेट कर लेंगे कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हम लोगों ने नेस्टेड फंक्शन एक्चुअली है क्या, वो किस तरीके से कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। लेकिन आई विश के आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ कर आए अपने पास ना, ठीक है। और फिर हम लोग थोड़ा बहुत इवेंट्स को देखेंगे और इवेंट्स के बाद हम लोग देखेंगे जनाब, कुकीज़ को आप लोग खुद देख लीजिएगा। मैं चाह रहा था कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कवर करते अपनी नेक्स्ट टू क्लासेस के अंदर,
पेज रिडायरेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, डायलॉग बॉक्स है और इसी तरीके से वॉइड कीवर्ड है, पेज प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग बहुत नॉर्मल यूज होता रहता है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग नेक्स्ट टू क्लासेस के अंदर कवर करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली होते क्या हैं, इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो मुझे अगर एक एडिशनल क्लास लेनी पड़ी तो वो भी मैं कंडक्ट कर लूँगा, क्योंकि आई डोंट नो कि मैं दो क्लासेस के अंदर कवर करा सकूँगा या नहीं करा सकूँगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि अगर कुछ चीज़ रह गई और एडिशनल कुछ क्लासेस कंडक्ट करनी पड़ी तो ज़रूर करूँगा आप लोगों के लिए। और लेकिन मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि फंक्शन के अंदर और जो हमने आज एरे के अंदर हम लोगों ने जो लिखा सीखा है वो आप ज़रूर उसके अंदर प्रैक्टिस करें। फंक्शन की प्रैक्टिस इधर भी अवेलेबल है आपको, इधर आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें मैं अगर इसके अंदर जाऊं, ये वाली बुक के अंदर, स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर भी आप फंक्शंस को डिटेल में दिया हुआ है। ये रहा फंक्शन, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से कॉल होते हैं, क्या इसके अंदर मैकेनिज्म यूज है, क्या इसके अंदर प्रैक्टिस किस तरह करनी है, वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं अभी आप लोगों को इनवाइट करता हूँ कि अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं जो आपकी क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। एनीवन, ठीक है, जुबिया आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी सर नमन, मेरा ये था कि फंक्शंस एज अ वेबसाइट पे हम किस फॉर्म में यूज करेंगे। आपने जैसे कि, हाँ बिल्कुल, आपने जैसे कि कोई लाइक वेबसाइट है जिसके अंदर आपने कुछ डाटा फिल करवाना है, सही है ना? और डाटा फिल करवाने में आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे सबमिट का बटन आता है, बहुत सारी जगहों पे अपलोड का बटन आता है, ठीक है। तो वो उनके पीछे क्या लिखा होता है, वो सबमिट, वो जो लिखा होता है वो फंक्शन से लिखे होते हैं। अब उसके जो भाई जाहिर बात है जो सबमिट कराना चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं, बेसिकली आपका बहुत सारी जगहों पे डेटा पुल करके किसी और जगह स्टोर कराना चाह रहे हैं, या आप सबमिट कराने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना चाह रहे हैं, या आपने उसको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बैंकिंग की एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं 4 साल का या 5 साल का लोन लेता हूं और मेरे पास इतने पैसे रखे हुए हैं तो मुझे किस परसेंटेज पे लोन मिलेगा, तो मैं अपनी जो है पैरामीटर दे दूंगा, मेरे को क्लिक करूंगा उसके ऊपर तो बैंक की एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करेगी और बता देगी कि आपका इतना मंथली आपका प्रॉफिट है इतना। ये छोटी मोटी एप्लीकेशन इसके अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम लोगों के पास जो है हम लोग जो प्रोजेक्ट करेंगे अपना एक्सपेंस ट्रैकर का प्रोजेक्ट हो गया या विश लिस्ट का प्रोजेक्ट हो गया, उसके अंदर भी हम लोग जो एक्सपेंस ट्रैकर क्या है, एक्सपेंस इनकम ट्रैकर में ये है कि आपकी कितनी इनकम है, ठीक है, आपने बटन क्लिक किया वो आपको इनकम बता देगा आपकी इनकम इतनी है, आपने एक्सपेंस बताया इतना एक्सपेंस है, उसके कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि कितनी आपकी बचत है। तो वो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम लोग जब करेंगे तो सब जगह पे हम लोगों को फंक्शन यूटिलाइज करने पड़ेंगे। ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह, बस मुझे कंफर्म। ओके जी, और किसी का क्वेरीज है तो प्लीज पूछ लें, बहुत अच्छे इस तरीके से माइंड हमारा वो हो जाता है। साइमा, आमना, वर्दा और एनीवन एल्स। अच्छा, लूप्स में भी और एरे में भी ऐसे ही होगा सर नुमान? लूप्स और एरे को जो हम यूज करते हैं अगेन, देखें एरे तो हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि अब आप देखें ना कि बहुत सारी ऐसे वेरिएबल्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि स्टूडेंट्स के नेम हो गए, फ्रूट्स के नेम हो गए, जो कि आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते ना, तो आपको कहाँ यूज़ करेंगे? जैसे कि हम वेबसाइट्स में देखते हैं जैसे कि अब फूड्स की होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड में हमें कितनी ज़्यादा वेराइटीज मिल रही होती हैं, तो उसमें यही सारे जो है वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है, काफ़ी एग्जाम्पल अवेलेबल हैं एरेज के अंदर। एरेज तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए जी, जज़ाकअल्लाह सर नमन।
एनीवन एल्स? आई थिंक कोई भी नहीं है, शक किसी कोई क्यूरीज नहीं है. चलिए सर यहीं तक करते हैं फिर या तो इंशाल्लाह. सब कुछ क्लियर है या तो कुछ क्लियर नहीं है, दो ही काम हो सकते हैं। हाँ थोड़ा सा अपना फीडबैक जरूर दें, जी लास्ट टाइम तो सायमा, हमने सायमा लिया कुछ था. कहना चाह रही हैं? हाँ जी सायमा प्लीज बोलिए. सायमा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम. अस्सलाम हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, ये जो जब से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ तो ये हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा समझ नहीं आ रही कैसे क्या होगा। आप सिर्फ वेरिएबल्स? और सिर्फ, हाँ जी, आप सिर्फ और सिर्फ जो काम जो प्रैक्टिस करा रहे हैं ना हम लोग, एक्चुअली स्टार्टिंग में तो आपको इसकी यूजेबिलिटी नहीं समझ में आ रही होगी कि आप इसको यूज किस तरह करेंगे, लेकिन जो जी जो आपको लेक्चर में जो चीजें दी है ना, वो आप उसको ग्रिप में लेकर आए कि फॉर एग्जाम्पल ये हाँ वेरिएबल्स होते क्या हैं, कितने किस्म, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन जी किया, तीन किस्म के वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग है, नंबर है या बूलियन है, ठीक है, ये आपको उसको ग्रिप करना है स्टार्टिंग के अंदर, ये बेसिक्स हैं चीजें। अब जब आपको ये बेसिक्स क्लियर आए हो जाएंगे ना, तो हम लोग अभी जो प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करेंगे ना, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपके लिए बहुत हैंडी होंगी वो। मैं प्रोजेक्ट आपको इस अच्छा. तरीके से कराऊंगा, फॉर एग्जाम्पल आपने एक फ्रेम बनाया, ओके, एक फ्रेम बनाया, उस फ्रेम को मैं बनाने के लिए आपको बोलूंगा आप HTML अपने यूज करें, यू गेट माई पॉइंट। अब वो जब आपने जब फ्रेम्स बना लिए, अब फ्रेम्स बनाने के बाद अब मैं आपको बोलूंगा इसके अंदर बटन्स लेकर आ जाए, ठीक है, अब इसके अंदर टेक्स टेक्स आइटम लेकर आ जाए। अब टेक्स आइटम में लेकर आने के बाद जब मैं बटन में क्लिक करूं, तो ये वाली वैल्यू इस वाले टेक्स आइटम में चली जाए, ये वाली वैल्यू इस टेक्स आइटम में चली जाए, मैं आपको उंगली पकड़ा के आपको एक एक दो प्रोजेक्ट करवा दूंगा, ठीक है, उसमें आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके आप बड़े प्रोजेक्ट करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। मतलब मेरे ख्याल से सरनुमा का पॉइंट ये है ओके कि हमारा काम ये है कि हम इन चीज़ों को जो डेफिनेशंस हैं और जो ये छोड़ी जो हमें कमांड्स की प्रैक्टिस है ये कर लेंगे तो फिर वो इजी टू अप्लाई हो जाएगा हमारे लिए प्रोजेक्ट में करने के लेटर लिए. जब वहाँ ऑन। पे वेरिएबल्स यूज करने होंगे, जहाँ लूप्स यूज करने होंगे, एरे यूज करने होंगे, तो हमें जब ये चीज़ें हमारी हैंडी होंगी तो हम वहाँ पे इजिली टू वहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे. अच्छा देखें, मैं आई आपको थिंक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ ना इसके लिए, देखें अभी ये है वेरिएबल एंड स्ट्रिंग, पहले पहला लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है, ठीक है, स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। देखें मेरी तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस आएगी, ओके, कि क्या चीजें करनी है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता कि बहुत सारी जगहों में मैं भी फंस जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस लेवल पे, एडवांस लेवल पे आ गए कि छोटी छोटी चीजें कभी दिमाग में रहती नहीं है और वो इतनी यूज होती भी नहीं है, सही है। वो तो मुझे वही हो रहा था जब प्रीवियसली हमने वो मैंने बनाया था, तो अभी वो चीजें याद ही नहीं आ रही. तो वो अच्छा, ये इट्स काइंड ऑफ मैथ, ये प्रोग्रामिंग इज काइंड ऑफ मैथ, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली फिंगर टिप पे आते रहेंगे, नहीं करेंगे तो देखें अगर रेफरेंस के तौर पे आप पढ़ना जाएंगे पीछे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, हाँ ये मैंने पढ़ा था। अब ये जैसे कि ये है ये वाली बुक के अंदर, ये सेकंड लेसन है, सेकंड लेसन के अंदर आपने जब एक दफा पढ़ लिया, यकीन करें आप 5 मिनट के अंदर आप एक लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं, 5 मिनट भी आपके लिए मैंने ज्यादा बोल दिए, आपने कंप्लीट कर लिया, आप इसको लिंक को क्लिक कर दें, लिंक को क्लिक करने के बाद आपने आपको ये प्रैक्टिस दे रहा है। अब जो चीजें, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस में आपको क्या है, ये आपने इन द फॉलोइंग कोड मार्क, ठीक है, इज स्टार्टिंग, व्हाट इज नेम, आंसर विद वन वर्ड, ठीक है, ये क्या है बेसिकली, ठीक है, तो ये आपने आंसर करना है, आप आंसर गलत करते हैं आप ना चेक कर लें आंसर, ठीक है, व्हाट इज दैट, दिस इज अ वेरिएबल एक्चुअली, सही है ना। तो ये इस तरीके से आप वन बाय वन करते रहेंगे, आपको देखें कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, उस 20 क्वेश्चन में एक चैप्टर के आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपकी, आप सोच सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको आपको मैं सजेस्ट ये करूंगा, रेगुलर 15 मिनट दे दें अपने प्रैक्टिस आपको, नथिंग लाइक इट, सही. 15 से 20 मिनट आप अपने आपको दे दें, आप यू विल बी अ मास्टर ऑफ दिस जावास्क्रिप्ट। और आगे हम ये करना लोग पड़ेगा सुनमान. देखिए ये चीज़ इतनी इजी नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली एक हम कंप्यूटर में अगर करते हैं MS Word या Excel ये सब चीज़ें, तो मुझे लगता है बहुत आसान है आप जब ये हम ये सोच रही चीज़ें हैं कर रहे इजी हैं. नहीं है, हाँ आप ये हाँ सोच तो रही हैं ये इजी नहीं है, आप जब आपने जब 2 का टेबल याद करना शुरू किया था, वो 2 का टेबल आपको सोचिए, आप अपने बचपन में जाएं कितना मुश्किल से याद किया था, अभी आपसे मैं पूछूं 2 4 2 4 क्या, आप इजीली बता देंगे, क्यों बता देंगे, क्योंकि आपको मेमोराइज हुआ हुआ है, सिमिलर टू दिस प्रोग्रामिंग एंड सिमिलर टू मैथमेटिक्स, दोनों चीजें सेम है, एक दफा आपको मेमोराइज हो गया वो जिंदगी भर आपके मेमोराइज रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन उसको करने सही के लिए बात. आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं चलो सही ठीक है जी, इंशाल्लाह. चले ओके इंशाल्लाह फिर डन.
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कैरी ऑन करते हैं, कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग प्रोजेक्ट भी साथ करें इंशाल्लाह, और इसको फिर पाए तकमील तक पहुंचाएं, जो आप लोगों की ड्रीम्स हैं और आपकी जो विशेस हैं उसको हम लोग उस लेवल पे लेकर आए कि आप उसको फ्रूटफुल उसको यूटिलाइज कर सकें. ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह. अस्सलाम.